सत श्री अकाल, स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तराखंड में एक सुरंग च फसे 41 मजदूरों को कढ़ने की प्रक्रिया में कुदरती चुनौतियों के बावजूद सरकार उन्होंने सुरक्षित बाहर कढ़ने लिए लगातार कोशिशें कर रही है। मोदी ने उत्तराखंड में पिछले 15 दिनों तो सुरंग च फसे मजदूरों को सुरक्षित कढ़ने लिए कोर्ट दिवतोसम की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि सरकार मजदूरों को सुरक्षित जल्द से जल्द कढ़ने लगातार यत्न कर रही है। उन्होंने कहा कि पर सानू इस राहत से बचाव कार्यों को बहुत सावधानी चलाना होगा। बॉलीवुड के मशहूर गायक ते अदाकार गिप्पी गरेवाल के घर से कनेडा विखे हुए हमले की गुरसिमरन मान ने सख्त शब्दों की निंदा की। दस दिए कि इस हमले की जिम्मेवारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप वालों ले गया। हमले की निंदा करते हैं गुरसिमरन मान ने कहा कि जो 4 फुट का टिड्डा चाहे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है, वह बिश्नोई खानदान बदनाम कर रहे। उन्होंने कहा कि जो देश को प्यार करता से उसके नाल आ, भावें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्यों ना हो, असीं सारे भरा। देश के सब तो वे नवे डॉन वजों उभरे लॉरेंस बिश्नोई के सब तो वे दुश्मन बंबीहा गैंग का नवा मुखी तैयार है। दसया जा रहा है कि बंबीहा गैंग के नवे मुखी की कनेडा च ताजपोशी हो गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मुकाबला करने लिए हरियाणा च बंबीहा गैंग की भर्ती शुरू है। दसया जा रहा है कि नीरज फरीदपुरिया बंबीहा गैंग का नवा डॉन बनाया गया, जो कि पलवल हरियाणा का रहने वाला है, इस समय कनेडा च मौजूद है। श्रोमणी अकाली दल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ते पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों तीर्थ यात्रा स्कीम शुरू करने सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट करार दिता ते कहा कि स्कीम तो पहला ही 1 जनवरी 2016 में तकरीबन 8 साल पहला बादल सरकार ने शुरू की सी। पार्टी ने भगवंत मान को आखिया कि देश में श्री केजरीवाल का आधार पंजाब के खर्चे से बढ़ाना तुरंत बंद कर। केंद्रीय गृह मंत्री ते भाजपा के सबका प्रधान अमित शाह खिलाफ इतराजयोग टिप्पणी करके मानहानि के दोष कांग्रेस के सबका प्रधान ते सांसद राहुल गांधी नू सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने तलब किया। कोर्ट ने उन्होंने समन जारी करने का हुक्म दिया। मई 2018 च बंगलौर च एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्काली भाजपा प्रधान अमित शाह खिलाफ राहुल गांधी ने गलत टिप्पणी की, उन्होंने हत्या दोषी दस के उन्होंने मानहानि की। मामले की सुनवाई लिए 16 दिसंबर की तरीक तय करके समन जारी करने का हुक्म दिया। सीएम मान अपनी पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर का 34वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पत्नी नाल रोमांटिक तस्वीर शेयर की, जिस विच जोड़ा इकट्ठे नजर आ रहे। इस फोटो को शेयर करते सीएम मान ने रोमांटिक कैप्शन भी लिखे। उन्होंने कहा कि मेरी हमसफर डॉक्टर गुरप्रीत कौर को जन्मदिन की बधाइयां, तंदुरुस्ती ते खुशियां दी, वाहेगुरु अगे अरदास कर। पंजाब च मौसम ने अचानक करवट बदली है। दिन भर बदल छाए रहे, कई थाई बूंदाबांदी की खबरें ने। चंडीगढ़ और जलंधर कुछ थावां ते हल्की तो दरमियानी वर्षा हुई है। अचानक वधी ठंड नाल वध तों वध तापमान 2.4 डिग्री सैलसीयस हेठा आ गया। हुण दिन का तापमान आम नालों 3 डिग्री हेठा पहुंच गया। हालांकि रात का तापमान अजे भी आम नालों 6 डिग्री वध है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी अनुसार 2 दिनों तक पंजाब के कुछ हिस्सों सवेर वेले संघनी धुंध रहेगी। इस दे नाल ही रात का तापमान भी 2 तों 3 डिग्री सैलसीयस हेठा आने की संभावना है। मौसम विभाग अनुसार पंजाब के कई जिलों में बदल छाए रहेंगे, तेज हवावां चलनगियां जिस कारण ठंड वधण की संभावना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरोसा जताया कि सूबे पिछले हफ्ते हुई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत न जीतेगी। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। गहलोत ने दोष लाया कि भाजपा नेताओं ने चोन प्रचार दौरान भड़काऊ बयानबाजी की, वोटरों को भरमाने लिए धर्म का पत्ता खेडिया, पर लोग उन्होंने नकार चुके ने। उन्होंने कहा कि सूबे के लोग कांग्रेस पक्षी ने, सूबे में पार्टी विरोधी कोई लहर नहीं है। एक्स ते टेस्ला दे सीईओ एलन मस्क इजराइल ते फिलिस्तीनी कट्टरपंथी संगठन हमास विचाले चाले जंग दे विचकार इजराइल पहुंचे। उन्होंने इत्थे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नाल मुलाकात की, संघर्ष नूं लैके इजराइल का समर्थन किया। एलन मस्क ने इजराइल का समर्थन करदे कहा कि इजराइल ते हमास विचकार जंग खत्म होने तो बाद गाजा दे मुड़ निर्माण च मदद करना चाहणगे, पर फिलिस्तीनी खेतरां नूं कट्टरपंथी तो मुक्त करना महत्वपूर्ण। पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान खान को भ्रष्टाचार केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जवाब दी अदालत ने मुल्क के भ्रष्टाचार विरोधी कायदे की अपील खारिज की, जिस में उन्हें जेल च बंद साबका प्रधानमंत्री रिमांड बढ़ाने की मांग की। इस्लामाबाद की जवाब दी अदालत के जज ने अल कादिर ट्रस्ट केस की सुनवाई रावलपिंडी की अदियाला जेल च की, जिथे खान इस वेले कैद ने। जांच ब्यूरो एनआईवी की टीम ने जेल च इमरान तो करीब 2 घंटे पूछगिछ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक अजीब खबर सामने आई थी। एक सरकारी हैंडपंप तो दूध निकलने का दावा किया जा रहा है। इस तो बाद बड़ी गिनती लोग भांडे बोतलों से बाल्टियां लेके हैंडपंप से पहुंचे थे, इसको दूध समझ के भरना शुरू किया। इसकी वीडियो भी सामने जो सोशल मीडिया से वायरल हो रही है। दसा जा रहा है कि सरकारी नलके चो पानी निकल रहा है, जिसनों दूध समझ के भरने लिए भीड़ लगी गई। लोग भगवान शिव के जयकारे लाने लगे। लोगों का कहना है कि अजिहा भगवान शिव के चमत्कार कारण होया। उधर डॉक्टरों ने इस तरह का पानी पीने से मना किया, प्रशासन ने नलके सील कर। राउरकेला भुवनेश्वर वंदे भारत एक्सप्रेस के पत्रां किते जाण नाल एग्जीक्यूटिव क्लास कोच की खिड़की के शीशे नुकसाने गए। पूर्वी तटवर्ती रेलवे के सूत्रों ने दसिया कि भुवनेश्वर संबलपुर रेल मार्ग से कुछ लोगों ने वंदे भारत रेलगड्डी से पत्थर सुटे। पत्रां नाल एग्जीक्यूटिव क्लास कोच की खिड़की के शीशे टुट गए ने। आरपीएफ एस्कॉर्टिंग स्टाफ ने घटना की सूचना दी है। ईसीआर की सुरक्षा ब्रांच ने इसनूं गंभीरता नाल लै लिया। हालांकि किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचे।
कोरोना महामारी तो बाद एक होर बीमारी ने पूरी दुनिया दहशत पाते इस बार भी नवी बीमारी चीन तो शुरू हुई है। चीन के उत्तर पूर्वी खेतर स्थित लियोनिंग सूबे के बच्चों निमोनिया का खतरा बढ़ रहा है। बच्चों फेफड़ों सोज साह लैन मुश्किल से खंघ के मामले तेजी से वाधा हो रहा। चीन च फैल रहे निमोनिया लैके एम्स तो वड्डा अपडेट सामने आया। एम्स ने इसलिए चीन को पूरी तरह जिम्मेवार ठहराया। इजराइल ते हमास विचाले चार दिनों की जंगबंदी खत्म होने के नेड़े। इस दौरान कतर के विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया कि इस जंगबंदी को दो दिन बढ़ा दिया गया। कतर के विदेश मंत्रालय के बुलाए ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स से लिखे कि गाजा पट्टी से मानवतावादी जंगबंदी को बढ़ाने लिए समझौता हो गया तो हुण इस नूं दो दिन बढ़ाया जाए। फिलहाल स्पीड न्यूज बस इना ही, मैनू दिओ इजाजत, धन्यवाद।